वेल दोस्तों, मेरा नाम है कुल्ला, रखता हूँ कुल्ला। दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी ये कुछ फिल्में जो बवाल खड़ा कर देगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो करें शुरू आज का वीडियो। करना परेशान हो गए हम लोग। नंबर वन पर है मोस्ट अवेटेड मूवी हाउसफुल 5, जो अगले साल जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। दोस्तों हाउसफुल 5 पर काम चल रहा है और इसकी घोषणा अमेज़न प्राइम वीडियो प्रेजेंटेंस द्वारा की गई है, जहां स्ट्रीम दिग्गज ने अपनी वार्षिक लाइनअप पर खुलासा किया है। सीरीज की पिछली फिल्मों की तरह साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म का निर्माण करेंगे। इसमें अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की अभिनय करेंगे, जो पिछले सभी पार्ट्स का हिस्सा थे। भले ही फिल्मों में कहानियां असंबंधित रही हो, खबर ये भी है कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसका निर्देशन तरुण मनसुकानी करेंगे। यह इस साल दिवाली में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्माता की इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की मांग को देखते हुए इसे अगले साल के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों ऐसे में फैंस को अब इस बात का इंतजार नहीं करना होगा कि थिएटर के बाद OTT पर यह फिल्म कहां रिलीज होगी। हालांकि इस दौरान फिल्म की OTT रिलीज डेट की जानकारी नहीं दी गई है। ये डिटेल्स आपको प्राइम वीडियो के इंस्टाग्राम हैंडल पर आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद है टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 4, जो भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। टाइगर श्रॉफ हो लिखे दिनों में बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं। वह वर्तमान में अक्षय कुमार के साथ अपनी अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां के कारण ट्रेंड में चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपने बड़े मियां छोटे मियां का टीजर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें। बुधवार 20 मार्च को टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्शन की तीव्रता के साथ कोर फील को दर्शाते हुए रोमांचक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ उन्होंने फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक धन्यवाद नोट भी लिखा है। टाइगर द्वारा पोस्ट साझा करने के कुछ क्षण बाद प्रशंसकों ने टिप्पणी के अनुभाग में उनका उत्साह व्यक्त कर किया है, जिसमें से एक ने लिखा है उत्साहित रोनी वापिस आएगा। एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है और वास्तव में बागी 4 का इंतजार मैं कर रहा हूँ। जबकि एक तीसरे प्रशंसक ने लिखा नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा एक उत्साहित प्रशंसक ने टाइगर की कथित पूर्व प्रेमिका दिशा पाटनी और श्रद्धा कपूर को फिल्म में दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा इस फिल्म में दिशा और श्रद्धा दोनों को चाहते हैं। दोस्तों मूवी में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रोने का दमदार किरदार निभाएंगे। लिस्ट के अगले नंबर पर है चंदू चैंपियन। सिनेमाघरों में गर्दा उड़ाने के बाद फिल्म चंदू चैंपियन अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अपने लचीलेपन और जीत की एक प्रेरक कहानी चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन द्वारा अभिनीत पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पटेकर की अविश्वसनीय यात्रा को जीवंत करती है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और कबीर खान निर्देशित यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है, जो एक भावनात्मक और प्रेरक सिनेमा अनुभव का वादा करती है। नाटकी रिलीज के बाद चंदू चैंपियन अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा, जिससे यह सभी बाधाओं के खिलाफ जीत की एक उल्लेखनीय कहानी को देखने के लिए उत्सुक व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगी। दोस्तों मूवी पटेकर की उल्लेखनीय कहानी को दर्शाती है, जिसने 1972 में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए भारी चुनौतियों पर काबू पाया। अपनी भूमिकाओं के प्रति कार्तिक आर्यन का समर्पण एक तैराक को प्रमाणित रूप से चित्रित करने के लिए उनके महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन में स्पष्ट है। लिस्ट के अगले नंबर पर है स्त्री 2। दोस्तों राजकुमार राव की बहुप्रतीक्षित मूवी स्त्री 2 में हमारे प्रिय किरदार विक्की के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो कि 2018 की कॉमेडी हॉरर फिल्म की सीक्वल है। OTT दिग्गज अमेज़न प्राइम वीडियो ने OTT में घोषणा की कि मूवी अपनी सफल थिएटरल रिलीज के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस घोषणा ने फैंस और क्रिटिक्स के बीच उत्साह पैदा कर दिया है, जबकि राजकुमार व्यक्तिगत रूप से इस इवेंट में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों जैसे जैसे स्त्री 2 अपने रिलीज के लिए तैयार है, फैंस सिक्वल स्क्रीन पर एक बार फिर राजकुमार राव का जादू देखने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिक्वल की शूटिंग पिछले साल शुरू हो गई थी। स्त्री राजकुमार राव की करियर को परिभाषित करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म ने न सिर्फ राव की कॉमेडी करने की क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि इसने खुद को अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक के रूप में भी दर्ज कराया है। फिल्म ने राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी को व्यापक प्रशंसा दिलाई है, जिससे वे हर घर में एक लोकप्रिय चेहरा बन गए। स्त्री 2 के अलावा राव के पास मिस्टर एंड मिसेज माही, श्री गन्स एंड गुलाब सीजन 2 और विक्की विदा का वो वाला वीडियो पाइपलाइन में है, जबकि वह अभी भी विक्की विदा का वो वाला वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी फिल्में श्री मिस्टर एंड मिसेज माही और सीरीज गर्ल्स एंड गुलाब सीजन 2 इस साल रिलीज होने वाली हैं। लिस्ट के अगले नंबर पर है छोरी 2। दोस्तों नुसरत भरूचा स्टारर छोरी 2 की शूटिंग 26 नवंबर को शुरू हो गई थी और यह मूवी रीमा काकती के निर्देशन में बनी है। मूवी में एक बार फिर नेगेटिव लीड में ग्वालियर के कुलदीप
थ्रिल प्ले कर रहे हैं। मूवी में लीड रोल निभा रहे एक्टर कुलदीप ने होली में दैनिक भास्कर से खास बातचीत की और उनकी बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसा बताया है। कुलदीप ने कहा, ये तो सब जानते हैं कि इसका पहला पार्ट मराठी फिल्म लपा छपी की रीमेक है, पर जो हिंदी में पार्ट 2 आ रहा है वह रीमेक नहीं है क्योंकि लपा छपी का अगला पार्ट नहीं आया है। ऐसे में छोरी 2 की अपने आप में ओरिजिनल कहानी है। फिल्म का पहला पार्ट तो एमपी में भोपाल से 150 किमी दूरी पिपरिया इलाके में शूट किया गया था। वहाँ गन्ने के खेत के बीच हीरो प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे के पीछे पड़े भूत की कहानी थी। यह कहानी खेत से बाहर निकलती है और इमारतों और शहर का सफर तय करती है। तो इस बार फिल्म की शूटिंग एमपी में नए के बराबर हुई है, ज्यादातर शूट मुंबई का है। आगे कुलदीप बताते हैं कि यह पहले पार्ट की पॉपुलर सीक्वल है, यानी पहला पार्ट जहां खत्म हुआ था पार्ट 2 वहां से शुरू होता है। साक्षी का रोल नुसरत ही प्ले कर रही है। पहले पार्ट में उनका सफर जहां खत्म हुआ था वहां से वह कहां गई, आगे के सफर में नई चुनौतियां क्या आई, पुराने जीवन के साथी हैं कि नहीं, वह सब सरप्राइज यहाँ है। नुसरत के किरदार में इस बार पहले से ज्यादा मजबूती आई है। नुसरत के किरदार साक्षी की औलाद का भी फिल्म में अहम ट्रैक है। उसकी उम्र 4 से 5 साल है। इस तरह कहा जाए तो छोरी 2 की कहानी 4 साल आगे जाती है। सोहा अली खान की यह फिल्म हॉरर फिल्म है। ऐसे में सेट पर उनकी तैयारियां कंप्लीट फिल्म को लेकर थी। कुलदीप बताते हैं कि वो पूरे टाइम सेट पर फिल्म और किरदारों की ही बातें करती थी। तो दोस्तों देखते हैं कि पहले पार्ट के बाद अब अगला पार्ट कितना धमाल मचाता है। सो फ्रेंड्स, इन सभी के अलावा अंधेरा अभिषेक बच्चन की बी हैप्पी, दय मेहता ब्यास, भूमि पेडनेकर की मूवी दलदल का भी नाम अमेजन पर रिलीज मूवीज की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। और आपको इन सभी मूवीज में से किसका बेसब्री से इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप बॉबी देओल की मूवी कंगवा और जॉन अब्राहम की मूवी वेदा का टीजर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। या अगर आप अक्षय कुमार और सलमान खान की रीमेक मूवीज की जानकारी चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।